थ्योरम 11 वीक ड्वेलिटी थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में भी हमने वीक ड्वेलिटी थ्योरम की थी, बट ये थ्योरम थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हम क्वाड्रेटिक मिनिमम प्रॉब्लम के लिए प्रूव करेंगे। प्रीवियस थ्योरम किस पे डिपेंड कर रही थी? डुअल प्रॉब्लम के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक मिनिमम प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, दैट मीन्स प्राइमल प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं। तो कंसीडर कर ली हमने प्राइमल प्रॉब्लम, ये किसकी डेफिनेशन है हमारी? क्वाड्रेटिक मिनिमम प्रॉब्लम की। 1/2 एक्स ट्रांसपोज एच एक्स माइनस सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये हमारी बन गई डेफिनेशन। वेयर एक्स नॉट हमारा क्या है? ओपन सेट है, जो स्पेक्ट्रम की बुक है वो क्या यूज कर रहे हैं? एक्स यूज कर रहे हैं। सारी थ्योरम्स हमारी सेम है, जैसे स्पेक्ट्रम की बुक है वैसे ही प्रसाइज की बुक में है। आप किसी में भी ये थ्योरम्स कर सकते हो। देन डुअल, इसका डुअल क्या होता है? क्यू डी पी मैक्सिमम ऑफ जाई एक्स कॉमा यू, क्योंकि यही इसकी नोटेशन होती है, जाई एक्स कॉमा यू मैक्सिमम ऑफ माइनस 1/2 एक्स ट्रांसपोज एच एक्स माइनस बी ट्रांसपोज यू। तो इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होती थी? एच एक्स प्लस ए ट्रांसपोज यू इज इक्वल टू सी, वेयर एच हमारा क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स था एन क्रॉस एन का। ऐसी ए हमारा कौन सा मैट्रिक्स था? एम क्रॉस एन का, जो हमने डेफिनेशन में किया था। ये देखो एच हमारा एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए हमारा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और सी हमारा एन वेक्टर है, जिसको हम रो में भी लिख सकते हैं, कॉलम में भी लिख सकते हैं, जिसमें वेक्टर्स क्या होंगे? एन होंगे। उसके बाद हमने क्या अलर्ट किया कि एक्स वन पॉइंट हमारा एक्स को बिलोंग करा है, एक्स टू यू टू बिलोंग करा है हमारा वाई को। ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं? फिजिबल सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक मिनिमम प्रॉब्लम के, और सिमिलरली डुअल क्वाड्रेटिक डुअल प्रॉब्लम के भी। ये हमारा मिनिमम के लिए है और ये हमारा डुअल के लिए है, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिवली डाला है। इसका मतलब ये इसका है और ये वाला इसका है। देन एच हमारा क्या है? पॉजिटिव सेमी डिफाइंड है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है? ये दो कंडीशन, जिसको हमेशा आपने याद रखना है। सो क्या है? एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जाई एक्स टू कॉमा यू टू, दैट इज 1/2 एक्स वन ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स वन माइनस सी ट्रांसपोज एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स टू ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स टू माइनस बी ट्रांसपोज यू टू। इसकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या बन रही है हमारी? अगर हमारा क्यू एम पी और क्यू डी पी हमारा फिजिबल सोल्यूशन है और एच हमारा पॉजिटिव सेमी डिफाइंड है, देन हमारा जो प्राइमल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है डुअल प्रॉब्लम से। तो ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट बन गई, डुअल प्रॉब्लम। सो इसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि पेपर में छोटी छोटी जो स्टेटमेंट्स है वो ही आती है, आपको ऐसे पूरा इतना बड़ा नहीं आएगा। या तो आपको आएगा स्टेट एंड प्रूफ वीक ड्वेलिटी थ्योरम इन क्वाड्रेटिक मिनिमम प्रॉब्लम के लिए, या आपको आ सकता है कि हमारे जो क्यू एम पी और क्यू डी पी हमारे फिजिबल सोल्यूशन है, देन प्रूव दैट प्राइमल ग्रेटर देन इक्वल टू डुअल प्रॉब्लम। सो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले आपको लेमा प्रूफ करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अगर आपने वो लेमा नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां से देख सकते हो। तो आपने एज ए लेमा यहाँ पे वीक ड्वेलिटी थ्योरम को प्रूफ करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है, क्योंकि ये थ्योरम आपको 8 मार्क्स में आएगी। अगर 4 मार्क्स में आई तो आपने ये प्रूफ नहीं करनी है, अगर 8 मार्क्स में आई तो आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, बट ज्यादातर हमारी 8 मार्क्स में आती है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिंस एच हमारा क्या है? पॉजिटिव सेमी डिफाइंड है, देयरफॉर हैसन मैट्रिक्स क्यू एम पी इज ऑल्सो पॉजिटिव सेमी डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो एच है वो पॉजिटिव सेमी डिफाइंड है, तो हमारा जो हैसन मैट्रिक ऑफ क्यू एम पी क्वाड्रेटिक मिनिमम प्रॉब्लम के लिए भी
पॉजिटिव सेमी डिफाइंड होगा, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन गया, कन्वेक्स बन गया। इसका मतलब जो कंस्ट्रेंट्स है वो या तो लीनियर है, लीनियर का मतलब अगर लीनियर है कंस्ट्रेंट तो वो क्या होंगी, कन्वेक्स होंगी। सो अगर हमारी कंस्ट्रेंट कन्वेक्स है तो बाय वीक ड्वेलिटी थ्योरम सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर हमारा फंक्शन कन्वेक्स है देन प्राइमल ग्रेटर देन इक्वल टू डुअल बन जाएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जाई एक्स टू यू टू आ जाएगा। या आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एमपी मिनिमम प्रॉब्लम एट फिजिबल सोल्यूशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ डुअल प्रॉब्लम एट द फिजिबल सोल्यूशन, तो इसको हम वहां पे यूज कर लेंगे। सो यहां पे हमने यूज कर लिया बाय वीक ड्वेलिटी थ्योरम। उसके बाद अगर यहां पे यूज हो रही है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक मिनिमम प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक डुअल प्रॉब्लम में भी जो ये पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपली वहां पे हमने पुट कर दिया 1/2 x1 ट्रांसपोज, ये हम कहां पे पुट करेंगे, जहां पे हमारा फंक्शन है, ये देखो 1/2 x1 ट्रांसपोज hx1 माइनस, उसके बाद ये लिखना है हमने, इन्होंने b की जगह क्या यूज किया है, c यूज किया, तो आपने c ही यूज करना है, c ट्रांसपोज एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। यहां पे इन्होंने क्या किया है, मुझे लगता है यहां पे एफ ऑफ एक्स और जाई एक्स कोमा यू की वैल्यू पुट की है, यही किया। ये देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ऐसी जाई एक्स कोमा यू इसके इक्वल है, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं एक्स वन एक्स टू यू टू किसको सेटिस्फाई करेंगे, प्राइमल और डुअल को। प्राइमल के लिए हम क्या ले रहे हैं एक्स वन, तो यहां पर पुट कर दिया 1/2 x1 ट्रांसपोज hx1 माइनस c ट्रांसपोज x1, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, यहां पे हमारा पॉइंट क्या है x2 u2, तो x2 ट्रांसपोज hx2 ट्रांस h2 माइनस b ट्रांसपोज u2, तो यहां से हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव होता है। पहले आपने क्या करना है, लेम्मा बनाना है, नहीं पहले आपने ये सारी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसके बाद लेम्मा स्टार्ट कर देना है, फिर उसके बाद मेन पार्ट लिखकर यहाँ पे इसको प्रूफ कर देना है। ये लास्ट ईयर मुझे 2022 में 8 मार्क्स में आई थी, इसका मतलब इस साल आपको ये थ्योरम आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में मुझे ये 8 मार्क्स में आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां ये रिपीट भी हो सकती है, 22 में भी आ सकती है, तो आपने इसको कर लेना। बहुत इजी एग्जांपल है, जो हमारा क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है वो बहुत इजी टॉपिक है, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम्स की थी वैसे हमने इसको यूज करना है। मेन क्या थी इसकी डेफिनेशन, सो यहां से हमारा ये रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूफ। थैंक यू।